in his presidential address at allahabad as the president of muslim league in 1930, Iqbal ne pakistan ka khab aur samni logunke logon remember, the groups or the provinces which were grouped together into a single state, yes, that was what was dream of ilamay and it was presented in 1930 in the Allah allahabad address. now, let's move forward. फ्टर दैट एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड इंडिया के लिए प्री पार्टी एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया अब अंडर दिस एक्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द प्रोवेंशियल अटोनॉमी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रोविंशियल इटॉनॉमी या उनको ये आजादी देना चाह रहे थे कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके एंड इसी

कि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके। सेकेंड इट डिस्कार्डेड सिस्टम एट द सिस्टम क्या था जो मेन सिस्टम हैं लाइक डिफेंस लाइक फॉरन अफेयर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहे एंड द रेस्ट वुड गो अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया इस एक्ट ने और उसकी बजाय popularly jo elections ke through provincial legislatures thi, unko in place. Rakha gaya. The third one was a federal court was established. Then separate electorates were provided for Muslim Sikhs and others but not to depressed classes. Apart from Muslim Sikhs and Hindus there were other classes as well and they were not given any representation according to this point. But however separate electorate that had a community key separate representation ko उसमें जगह दे दी गई एंड गवर्नर वॉज गिवन द क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर इन केसेस ऑफ इमरजेंसी अब ये एक्ट जो था ये उसके कुछ फीचर्स थे जो कि ना हिंदू को पसंद आए ना मुस्लिम को पसंद आए हाउएवर इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना जैसे कि प्रोविंशियल इटॉनमी वो वर अपीलेबल टू अदर पीपल स्टिल अंडर दिस एक्ट सिंह अगला कदम था एक्सपेक्टेड फॉर मुस्लिम इससे पहले हिंदूज इन कांग्रेस डिड टेक अपलिम्स एज ए सेट इलेक्ट्रेट लखनऊ पैक में उन्होंने इसको अपनाया फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में इसको डिनाई किया तो उनके जो मोटिव थे हिंदूज के वो तो क्लियरली नजर आ रहे थे बट देन इन एक्शन भी हिंदूज ने या कांग्रेस ने ये चीज शो करना शुरू कर दी जैसा कि उन्होंने किया कि उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद वैन द केम इन द पावर उन्होंने मुस्लिम को एज ए सेपरेट नेशन उनकी आइडेंटिटी कुचलने की पूरी कोशिश की अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दे इंपोज रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन इन मुस्लिम उन्होंने सबसे पहले जो जगह टारगेट की वो थी रिलीजन मजहब उसके लिए उन्होंने क्या किया दे स्टार्ट मेकिंग नॉइजेज आउटसाइड मॉस्क उन्होंने मस्जिदों के बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया स्पेशली तब जब अजान हो रही होती थी फिर देर मुस्लिम वर डिनाइड गवर्नमेंट जॉब्स मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब देना छोड़ दी उनको इनकार करना शुरू कर दिया देन देवर अटैम्प मेड टू रिप्लेस उर्दू विद हिंदी अब उन्होंने एजुकेशन को टारगेट किया एजुकेशन में उन्होंने क्या किया कि उर्दू जो कि मुसलमानों की लैंग्वेज थी उसकी जगह हिंदी को इम्पोज करना शुरू किया फोर्स करना शुरू कर दिया इन स्कूल एंड कॉलेजेस Then there were further attempts. sab Students were forced to salute Mahatma Gandhi's photo. Then they were forced to put tilaks. There's this black dot which the Hindus put according to their religious uh, demands on their forehead. The students, the Muslim students, were forced to do that. Then Muslims were forced to sing Bande Matram. Bande Matram was the national anthem or the national song for Muslims, which actually expressed hatred towards Muslims. So these were the measures or these were the things which were actually Congress and the Hindus were implementing and forcing on Muslims due to which Muslims were and And they knew that if they did nothing now, their separate identity would be taken However, Congress ministries resigned in 1939. 1939, for non-cooperation and against government, Congress... Ne अपनी जो मिनिस्ट्रीज है उनसे रिजाइन कर दिया गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया पोस्ट से रिजाइन कर दिया मुस्लिम सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिस डे अंडर मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कायदे आजम मुस्लिम सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन ट्वेंटी सेकेंड डिसम्बर नाइनटीन थर्टी नाइन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर नाइनटीन थर्टी नाइन को डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो सेलिब्रेट किया मुसलमानों ने कि उनको फाइनली आजादी मिली एक ऑप्रेसिव रूल से जिसमें उनकी आइडेंटिटी को क्रश करने की कोशिश की जा रही थी अब वट वॉज नेक्स्ट जाहिर सी बात है जब मुसलमानों को यह नजर आ गया था नजर क्या आ गया था इट वॉज वेरी एविडेंट कि वो लोग सेपरेटली ही एग्जिस्ट कर सकते हैं हिंदूज के साथ एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते 1930 में जो बात की गई थी और जो टू नेशन थ्योरी जिसके हक में सर सैद अहमद खान और इलामा इकबाल थे अब कायदे आजम भी उसके हक में आ चुके थे सो फाइनली अंडर फाइनलीयद आजम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक जलसा हुआ उस जगह पे जिसको आज हम मीनारे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं जो कि लाहौर में है सो यस हेयर कम्स द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 द रेजोल्यूशन विच डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फ्रॉम एवरी वन इन द सब कॉन्टिनेंट इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च इन एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग At a place where Minari Pakistan stands today in Lahore. Or is it Minari Pakistan ki historic importance? A Pakistan resolution jyoti the exact words, I am going to tell you that right now. It stated that it was unanimously resolved by all India Muslim League that no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless it is prepared in the light of the following basic principles that is geographically contiguous states should be demarcated into regions with necessary territorial readjustments where the muslims are numerically in majority Now unhone that no such constitutional plan workable nahi hoga muslims will accept nahi karenge muslim majority ko geographical lines accordingly muslim majority areas should be grouped together unko to hilaya for example, for instance, the north, western and eastern zones of India, these should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. It further resolved that adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided for minorities. Arrangements should also be made for the security of Muslims where they are in minority. उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि जब ये ग्रुप टुगेदर किए जाएंगे तो जो स्टेट बनेगी वो ऑटोनमस होगी उसके पास अपनी आजादी होगी वो खुद मुख्तियार होगी अपने डिसीजन लेने के लिए प्लस जो माइनॉरिटीज हैं इन एरिया में उनको वो उनके राइट्स देंगी और उनकी राइट्स को सेफ गार्ड भी किया जाएगा इफ द मुस्लिम्स आर मेजोरिटी इन दैट एरिया दैट डिज नॉट मीन कि वहां पे जो माइनॉरिटी है उसके हकूक को नजरअंदाज किया जाएगा इट वॉज अ वेरी कंप्लीट डिमांड इन इट्स ओन सेल्फ जिसमें ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए एक सेपरेट मुल्क मांगा गया आजादी मांगी गई बल्कि यह भी कहा गया कि जो माइनॉरिटीज होंगी मुसलमानों की मेजॉरिटी रीजन में उनके भी हकूक को नजर में रखा जाएगा और उनको भी सेफ और प्रोटेक्शन दी जाएगी हाउ एवर ये लाहौर रेजोल्यूशन ना हिंदूज को पसंद आई ना ब्रिटिश को बिकॉज महात्मा गांधी द हिंदूज अपोज द रेजोल्यूशन उनके लिए ये वोकेबल नहीं था क्योंकि वो तो पहले ही 1937 के इलेक्शंस के बाद ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को सेपरेट आइडेंटिटी ना दी जाए हाउएवर ब्रिटिश कॉल्ड इट पाकिस्तान ऑफ ब्रिटिश ने मौक के तौर पे इसको पाकिस्तान ऑफ का नाम दिया विच ट्रू एट द एंड द फैक्ट फोर्टी में जब ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई उसके सेवन ईयर्स रेजोल्यूशन इन सेवन पाकिस्तान के मे टू बीन However, it was the tireless efforts of the Muslim leaders of Qaeda's azam Muhammad Ali Jinnah and all the Muslims which were there in the subcontinent at that time. Here our first phase, which we have from 1857 se 1940. Now, let's quickly recap through a timeline, in which we see over the years, kya kya main events? So, right now, what you see on your screen is a timeline which is going to tell you the events which happened over these years. 1857 सोचिए यस वॉर वॉर ऑफ ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों के साथ जो है वो काफी बुरा सलूक किया गया फिर आए एटीन सेंचुरी में सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू मुसलमानों की अपलिफ्ट के लिए एजुकेशनल पॉलिटिकल एंड सोशल बहुत काम किया उन्होंने मैगजीन्स भी लिखे उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे मुसलमानों के लिए इंस्टीट्यूशन भी खोले देन केम द लेट एटीन सेंचुरी वेयर There was Sir Aga Khan as well. Then the main event was 1905 when partition of Bengal took place. 1905 mein partition of Bengal ke baad. 1906, the similar deputation. Then 1911 where the partition of Bengal was taken back. It was annulled. Annulment of partition of Bengal. Then in 1916 it was Lucknow Pact where Muslims and Hindus, All India Muslim League and Congress joined hands and demanded a separate homeland. Then, in 1919, it was the start of the Khilafat Movement. When, at the end of World War I, when British won, they were oppressing the Turks. So, in order to save the Caliphate, 1919 May, the Khilafat Movement started. Preceding the Khilafat Movement, there was Hijrat Movement in 1920. हिजरत मूवमेंट के बाद जब मुसलमान अफगानिस्तान की तरफ मूव किए उलमा के कहने पे और वहां पे उनको जगह नहीं दी गई और अफगानिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए सो दे हैड टू रिटर्न और वो दरबदर हो गए उधर मुस्तफ़ा कलाम अला तुर्क ने 1924 में खिलाफत मूवमेंट खत्म कर दी क्योंकि उसने अबॉलिश कर दिया कैलिफेड को सो so उसके अबॉलिश करने से खिलाफत मूवमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो गई देन इन नाइनटीन केम नेहरू रिपोर्ट विच actually was an eye opener for muslims to demand their separate identity as a separate nation then in 1929 the famous 14 points of qaied azam mohammad ali jinnah which not only safeguarded the rights of muslims but also presented a constitutional framework for the future india then 1930 the famous Allahabad address where the dream of pakistan was put forward then 1935 act of india in 1937 the elections were con congress won and then it was very clear that muslims needed a separate homeland from even hindus and other people in the subcontinent then came the 1940 lahore resolution in which a separate homeland for muslims was demanded and here ends the first era let's now start with the second era which is 1941 to 1947

अपनी वॉर जीते जीतते इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गया तो दे वॉज अ फियर ऑफ अटैक ऑन इंडिया एज वेल यह डर था कि कहीं वो इंडिया पे भी अटैक ना कर डर को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने अपनी वॉर कैबिनेट में से सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स ही वॉज सेंट टू इंडिया इन मार्च नाइन टू ही सेंट टू एनालाइज सिचुएशन ब्रिटिशर्स ने सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स को भेजा सिचुएशन एनालाइज करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या इंडिया कोऑपरेशन करेगा क्या इंडिया फाइट करने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा ब्रिटिशर्स की साइड में अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कीपिंग इन व्यू वट एवरपन इन द पास्ट तो इंडिया क्योंकि उन्होंने जानी और माली नुकसान बहुत उठाया था वो इस वॉर के लिए अग्री कर जाते तो ब्रिटिशर्स ने एक प्रपोजल सामने रखी इन द नेम ऑफ क्रिप्स प्रपोजल्स 1942 जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट देने का वादा किया और साथ में उनसे मदद मांगी टू फाइट फॉर द वर्ल्ड वॉर टू बट दिस क्रिप्स मिशन वॉज रिजेक्टेड इक्वली बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूस क्रिप्स मिशन के जो मेन सेलियन फीचर्स थे वो कुछ ये थे गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर लाइक दैट एंजॉयड बाय कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया जस्ट लाइक like सब्जाग थे खाना क्योंकि उनको अपना फायदा था अपने मुफाद थे तो उन्होंने ये वादा किया कि इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाएगा जैसे कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त थे प्रॉमिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनेगी हालांकि इस तरह वो अपने हाथ में ही रख रहे पावर क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो फ्रेमवर्क जब वो बना रहे हैं कंट्री का तो पावर तो उन्हीं के हाथ में रहेगी प्रिंसली स्टेट टू बी फ्री टू ज्वाइन इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट कि प्रिंसली स्टेट्स जो उस वक्त थी वो या तो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं या वो इंडिया के साथ कंबाइन भी कर सकती हैं प्रोविंसेस कुड डिसाइड टू बी सेपरेट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोविंसेस को ये आजादी देते हैं कि वो इंडिया से अलग होके अपनी ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं टिल फर्दर नोटिस द डिफेंस वुड बी हैंडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस इसक्रिप्स प्रपोजल में बहुत सारे लूप होल थे ना तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जा रहा था इंडिया को एंड The two nation theory, the demand of the Muslims was not being catered, they, did not, they were not being given the separate homeland, and Muslims were now not ready to accept anything less than a separate homeland from Hindus and from other, all other people. So, yes, because of these various reasons, the Crips proposals was rejected by both Muslims and Hindus. Ab se the next lecture. Mein <music>